हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक सब स्वागत। तो एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं। जो ये निकला है बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसमें कि आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ एंड अदर पैरामेडिकल पोस्ट की जो है वैकेंसी निकली हुई है। फार्मासिस्ट एंड अदर जो बहुत सारे जो है आपका पैरामेडिकल की पोस्ट निकला हुआ है, तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की ओर। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो वैकेंसी आई है कहाँ से आई है। ये जो वैकेंसी रही आपका SSC से है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। तो ये इसका फाइल नंबर है और यहाँ बोला गया टू बी अपलोड ऑन द वेबसाइट फॉर ऑफ SSC ऑन 12/5/2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वेबसाइट दिया हुआ है www.ssc.nic.in पे आप जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे फेज जो है 10 का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या ये फेज जो है 10 है, 2022 सिलेक्शन पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है लास्ट डेट का है, ये सारी चीज़ जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या पोस्ट रहने वाला है, ठीक है, और टोटल कितना पोस्ट हैं। तो ये तो पूरा वीडियो पूरा डिटेल्स बताने में तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम जो है मेन पॉइंट आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें पोस्ट कितना रहने वाला है। टोटल पोस्ट जो है आपका सभी पोस्टों को मिला करके 2000 से ऊपर है, ठीक है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन और जैसे मैंने बोला कि अदर पैरामेडिकल पोस्टों की इसमें वैकेंसी है। तो इसमें जो है आपका देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देखिए सेंट्रल रीजन का ये यहाँ पे है, सबसे पहला दिया हुआ है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, और ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ पे है रहने वाला, और एज लिमिट भी साथ ही साथ दिया हुआ है, पे लेवल भी दिया हुआ है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है ये भी दिया हुआ है, और किस में कितना पोस्ट SC का है 1, OBC का 1 और जनरल का 3, ऐसे करके बताया गया है, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर का भी जो है आपका टोटल एक ही पोस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का है पोस्ट यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारा है यहाँ पे। जैसे कि केमिस्ट का है, जूनियर केमिस्ट, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का, देखिए एक सेंट्रल रीजन में ये यहाँ पे है, जिसमें कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज में रहने वाला ये पोस्टिंग। इसका जो है एज लिमिट 18 से लेकर 30 तक है, 18 से लेकर के, पे लेवल 6 है, हायर सेकेंडरी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, और ये OBC का सीट है, सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है। इसके बाद फार्मासिस्ट का पोस्ट है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, एलोपैथी फार्मासिस्ट और लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पोस्ट है, देख ले रहे। देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है, जिसमें कि 18 से 25 ईयर का मांगा गया है एज लिमिट, और इसके लिए हायर सेकेंडरी, और इसमें जो है SC के लिए 1 है और OBC के लिए 2 है और जनरल के लिए 2 है, मैंने टोटल 5 सीटें हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट या जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है पोस्ट, यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है, ये जनरल का पोस्ट है। इसके बाद है फिर यहाँ पे देखिए लेडी मेडिकल अटेंडेंट का है, ठीक है, ऐसे करके हर रीजन में बताया गया है। आप भी इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, हम इसका नोटिफिकेशन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। और भी अदर जो है डिपार्टमेंट का भी वैकेंसी है इसमें, ठीक है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट का देखिए यहाँ पर पोस्ट है, एक्जिलरी माने ANM का पोस्ट है, नर्सिंग का पोस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, फिर से यहाँ पे यह ईस्टर्न रीजन में जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट है जनरल के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगोरी के लिए। इसके बाद फिर इसमें जो है फार्मासिस्ट का है, देख रहे हैं ये सारा जो है पोस्ट है, आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए लेबोरेटरी जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है, जिसमें टोटल 3, 1 जो है SC के लिए और 3 है जनरल के लिए, टोटल 4 पोस्ट हैं यहाँ पर भी।
इसमें जो है अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे डेंटल टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड वन के लिए यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें कि टोटल एक ही पोस्ट है, जनरल का पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके जो है अलग अलग रीजन में दिया गया है। और भी पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, आपको दिखा दे रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड थ्री और लेबोरेटरी अटेंडेंट दोनों का यहाँ पोस्ट है फिर से, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ के इसके बाद अप्लाई कीजिएगा। मेडिकल अटेंडेंट का है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड थ्री का पोस्ट है, जिसमें टोटल यहाँ पे बहुत ही अच्छा पोस्ट है, एससी के लिए 2 है और 6 पोस्ट जो है आपका ओबीसी के लिए और 10 जो है जनरल में, टोटल 17 पोस्ट है ये लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड थ्री के लिए। ये जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, इसमें टोटल सीटें की संख्या कितना है, 17 है। फिर देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये नॉर्दर्न रीजन का है, ठीक है। इसका भी एज लिमिट 18 से लेकर 30 है और हायर सेकेंडरी मांग गया है क्वालिफिकेशन एसटी के लिए 2 है और 2 जो है ओबीसी के लिए और 3 जो है आपका जनरल कैटेगरी में, टोटल 7 सीटें हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ के इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा इसीलिए। फिर यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट के पोस्ट एक ही पोस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है नीचे देखिए, और यहाँ पर जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। टोटल सीट यहाँ पर जो है आपका 73 है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, देखिए कितना है, 73 टोटल पोस्ट है। जिसमें एस सी के लिए 14 है, एस टी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 28 है, जनरल के लिए आपका 21 है और अदर कैटेगोरी जो है यहाँ पर दिया गया है। ये कहाँ के लिए, तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये जो है आपका वैकेंसी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है और सैलरी भी अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि पे लेवल 1 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी सैलरी रहेगा। यहाँ फिर से लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही करके बहुत सारे पोस्ट हैं, आप इसको जो है डिटेल्स देख लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड करके, तो आपको समझ में आएगा कितना पोस्ट है और कहाँ कहाँ है। तो आप उस रीजन में, आपको जिस रीजन में अच्छा लगे, ज़्यादा पोस्ट लगे, उस रीजन में आप अप्लाई कीजिएगा और डिटेल्स देख करके। अब हम बताने वाले आपको इसका लास्ट डेट कब है, अप्लाई कब से कब है, फॉर्म फिलअप का जो है डेट कब से अप्लाई स्टार्ट है। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा जरा सा भी, ठीक है, तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है सही मिलेगा। तो आप हम जो है आपको दिखाने वाले हैं कि इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब है और कब से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/5/2022 से स्टार्ट है और 13/6/2022 तक चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/6/2022 तक चलेगा, ठीक है। रात में जो है आपका 11 बजे तक चलेगा। इसके बाद जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है फीस पेमेंट करने का 15 तारीख तक आप कर सकते हैं अगले महीने में। और लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन जो चालान जो भरेंगे उसके लिए 16/6/2022 तक का टाइम है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर बैंक, आप 18/6 तक जमा कर सकते हैं बैंक में। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, इसमें करेक्शन करने का भी टाइम दे रहा है 20/6 से लेकर के 24/6 तक आप इसको कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन
टेंटिवली दिया गया है इसमें, मैंने अगस्त तक ये एग्ज़ाम करा सकते हैं, लेकिन पिछले वाला ही एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराएगा तो अगस्त तक क्या एग्ज़ाम कराएगा, तो हमको लगता नहीं ये करा पाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि SSC 9 का जो है जिसमें कि हमारे लेफ्ट टेक्नीशियन का पोस्ट बहुत सारा निकला हुआ था, तो अभी तक खुद नहीं वो तो अभी तक करा नहीं पाया है, तो ये करवाने चला है। चलिए कोई बात नहीं, जब कराएगा तो बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, जिसको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तक चैनल रोबोटिक टेक्नीशियन, धन्यवाद।